वो हमारा भगवान है, इसमें पालघट है और ये हमारे पूरे भगवान को दर्शाने वाला चीज़ है। एक एक चीज़ का मतलब होता है। ये हमारे यहाँ पे हम इसको लिपि बोलते हैं, तो ये हमारा लैंग्वेज है। ये हजारों जोहार नमस्कार, मैं मुकेश भाबर आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोहार एक्सप्रेस इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त दादरा नगर हवेली के सिलवासा गांव में उपस्थित हूं और यहां पर 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है और हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर एक चीज़ बनाई जा रही है। आपको पीछे दिख रहा होगा कई प्रकार के चित्र देखने को मिल रहे हैं। क्या है, क्या चीज़ है, क्यों बनाए जा रहे हैं, जानेंगे। हमारे साथ में दीदी है इनसे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जोहार सभी को। दीदी ये क्या चीज़ें क्यों बनाई जा रही है यहाँ पर? तो पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति वर्ठा है और मैं आदिवासी एकता परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मंडल सदस्य हूँ। और ये जो है ये वारली पेंटिंग में हम लोग धवलेरी जो हमारे यहाँ पे आदिवासी संस्कृति है उसका एक थीम है, उस थीम को बनाया जा रहा है। और इस थीम में हम लोग ये दर्शा रहे हैं कि कैसे हमारे आदिवासी समाज में जो महिलाएं हैं उनका अहम रोल रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम महिलाएं काम करती हैं वो बहुत विशेष है और वो बचाना चाहिए। तो ये थीम है, उसमें जन्म का थीम है, कैसे जन्म के वक्त महिला काम करती है, शादी के वक्त कैसे धवलेरी महिलाएं हैं हमारी जिसको हम धवलेरी बोलते हैं वो काम करती है, और मृत्यु के वक्त, ये मृत्यु का पीछे वाला थीम है, वो मृत्यु का है। तो ये एक थीम है और एक थीम तैयार हो रही है। उस थीम का विशेष ये है कि हमारे यहाँ पे जो धवलेरी महिला है उनके हाथों शादी का कार्य होता है और ये महिलाएं विधवा होती है। और आज समाज हमारे और जो देखने का जो नज़रिया है वो ऐसे है कि हम अंधविश्वास हुए, लेकिन हम समाज को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ये आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज में जो धवलेरी है एक आदिवासी विधवा महिला है। इससे हाथों जो शादी का काम है बहुत सगुन वाला काम होता है, जिसको गैर आदिवासी समाज कहता है कि अंधविश्वास है या अपशगुने हैं, लेकिन ये हमारे पास जो विशेष चीज़ है, जो यूनिक चीज़ है वो हम दर्शाना चाहते हैं। और जो धवलेरी महिला है उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, ये जो महिलाएं हैं इनके पास पूरा मौखिक पारंपरिक ज्ञान है और ये ज्ञान है वो बचना चाहिए। और इस ज्ञान जो आदिवासी पारंपरिक ज्ञान बचेगा तो ये सृष्टि बचेगी, ये पर्यावरण बचेगा। तो ये आदिवासी एकता महासम्मेलन है, 31वां आदिवासी एकता सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है। और ये इसी सम्मेलन इसीलिए होता है कि हम हमारे निसर्ग को बचाए, हम पूरे दुनिया में शांति फैलाए। तो ये सारे मैसेज है जो हम कैसे शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं और गैरों को, बाकी सभी समुदाय को आदिवासियों की तरह जीवन जीना चाहिए, तभी ये जो है सृष्टि है ये बच पाएगी। तो इसलिए ये थीम तैयार हो रहा है। उधर आगे भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, हम लोग चलकर बात करेंगे, आप थोड़ा सा बताइए। जन्म का थीम है, ये जो जन्म है तो इस जन्म का थीम है। तो जब जन्म होता है तो हमारे पास जो सोईन महिला होती है जिसको हम दाईन बोलते हैं, तो दाईन महिला है, उसका काम है वो जो प्रसूति होती है महिला की, उसके पहले से लेके जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद भी कैसे दाईन महिला महिला के साथ रहती है। तो ये हमारे पास एक डॉक्टर है जो हमारे हजारों सालों से ये हमारी डिलीवरी महिलाओं की कराती आ रही है, और इनके पास पारंपरिक जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ बचेगी, ये नॉलेज बचेगा, तो आदिवासी जीवन बचेगा, आदिवासी संस्कृति बचेगी। तो ये पूरा थीम है, ये थीम है सोई महिला का, दाईन महिला का, जन्म का थीम। चौक बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी ये चौक लिखा जाता है और ये वारली पेंटिंग में लिखा जाता है। और इस जो चीज़ है ये एक एक चीज़ का मतलब होता है। ये हमारे यहाँ पे हम इसको लिपि बोलते हैं, तो ये हमारा लैंग्वेज है, ये हजारों सालों से हमारा लैंग्वेज है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये सीखती आ रही है और हमारी शादी में ये कंपलसरी होता है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है और ये हमारा लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को हम लोग जैसे वारली लैंग्वेज होता है, तो ये हमारे शब्द है, तो ये शब्द कोश में ये बना हुआ हमारा भगवान है, इसमें पालघट है और ये हमारे पूरे भगवान को दर्शाने वाला चीज़ है, जो शादियों में होता है। तो ये सवासिन महिलाएं होती है, ये भी महिलाएं निकालती हैं, हजारों सालों से महिलाएं निकालती हैं। तो ये सवासिन महिलाओं का थीम है शादी में। कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई है महिलाओं के ऊपर बनाई गई है, आदिवासी समाज में किस तरह से महिलाएं काम करती हैं, किस तरह से रहन सहन है उनका, उनको लेकर यह चीज़ दर्शाई गई। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है द इंडिजिनियस वुमेंस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेडिशनल राइट्स, तो ये पूरा थीम है उसकी तरह इसका है। और पीछे की तरफ जैसे मैंने धवलेरी बताई है विधवा महिला, तो वो पीछे की तरफ वो शादी का सीन है जिससे शादियाँ हो रही हैं। तो ऐसे ही थीम हम लोग ने पूरा बताया। एक बार आप बता दीजिए वो क्या है। तो ये धवलेरी महिला है और ये दुल्हा है, ये दुल्हन है,
और ये धवलेरी महिला है और ये पूरा शादी का थीम है, कैसे ये शादी हुई है और शादी में कितने लोग आए हैं और कैसे ये हमारी बारात है। ये जो बारात है ये जा रही है, ये बारात जा रही है और एक गाँव से दूसरी गाँव में वो बारात जा रही है और कैसे हमारे जो नाच है डांस है हम लोग ने पूरा ये थीम के माध्यम से दिया है। तो ये पूरा आदिवासी महिलाओं का थीम है, आदिवासी महिलाओं की भूमिकाएँ हैं और पारंपरिक अधिकार है। थीम यहाँ पे आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन में हमने बनाई द धवलेरी ग्रुप है, हम लोग पूरा ग्रुप के पार्टनर से, तो इस ग्रुप के माध्यम से ये पूरा थीम बना है। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें जो कुरीतियाँ होती हैं और कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं महिलाओं के ऊपर और शोषण भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? शोषण तो हमारे समाज में वैसे महिलाओं का होता नहीं है, जैसे हम देखें तो बहुत सारे बलात्कार के केस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आजकल जो बाहरी संस्कृति का जो प्रभाव हमारे संस्कृति पर हुआ है तो उसका ही वो असर है, बाकी हमारा सरपंच तो पहले से महिलाओं को बहुत सारी, जैसे हमने थीम बनाई है तो बहुत सारे अधिकार पहले से दे रखे, लेकिन हम बाहरी संस्कृति के इतना आचरण कर चुके हैं, बाहरी संस्कृति हमारे पे इतनी हावी हो चुके हैं तो इसका ये कारण है। अगर हम हमारी संस्कृति को अपनाएंगे तो ये जो हमारे महिलाओं पे हिंसा हो रही है तो ये काफ़ी कम होगी, और जो हिंसा होती है वो ज़्यादातर दारू का प्रमाण हमारे समाज में ज़्यादा है, तो ये दारू का प्रमाण भी बाहर से आया है, हमारी जो जल जंगल जमीन है उसको छीनने के लिए ये सारी चीज़ें बाहरी आई हुई है, तो ये सारी चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो हमारे समाज में सुख शांति आएगी ऐसा मुझे लगता है। तो जो हमारी संस्कृति है वही बचाना हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है, तो अगर संस्कृति बचेगी तो अपने आप वो हिंसा कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। यहाँ पर जो चीज़ बनाई जा रही है खासकर महिलाओं को लेकर बनाई गई है कि किस तरह से आदिवासी समाज में महिलाएं रहती और अपना जीवन यापन करती, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, जोहार।